आज से परंपरा बंद हो जाएगा मेरे घर का, हम नहीं खेदेंगे तो काम समाप्त। ये अब नहीं होने वाला है मेरे घर में, दल इधर नहीं खेदाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, और कहाँ जा रहे हैं वो मम्मी बताएंगी। जा रहे हैं मार्केट में, और आज सोचे थे कि आईब्रो बनवा ले थोड़ा, तो पार्लर भी जाएंगे, तो देखते हैं। छठ माँ का दिन है, अब थोड़ा सा बनवा लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो उस समय नहीं बन पाएगा, बहुत भीड़ रहेगा। तो गाइज अभी मम्मी कहीं जा रही है, इसका मतलब कुछ गुड न्यूज ही होगा। गुड न्यूज या बैड न्यूज क्या करना है, रोज गुड न्यूज है, कोई नहीं है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि अभी स्टार्ट मतलब तैयार हुई है कुछ कारण के, नहीं तो अगर नॉर्मल रहता तो चली जाती। तो बिना हाँ। देरी किए चलते हैं वीडियो को आगे लेके। आप लोग भी चलिए और साथ साथ ले चल रहे हैं, ये दिखाएंगे आप लोग को कि क्या क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो एक जन तो उधर चले गए और हम लोग इधर जा रहे हैं। इनके पापा आज गए हनुमान मंदिर, तो उनको वहाँ पे 56 भोग का खाना का था, भोग लगा था, तो इसलिए उनको सुकुल टोली में हनुमान मंदिर है वहाँ पे हो गए हैं। तो कुछ हिंट देना चाहेंगे और कुछ? कुछ नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है गाइस इनका, देखते हैं कि हो सकता है कि कहीं कुछ करें हम लोग, लेकिन अभी पहले वो लोग आने वाला है, आ जाए उसके बाद बात होगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और अभी गाड़ी जो है एकदम मस्त धोवा के लगी हुई थी, तो थोड़ा सा इसको फिर से गंदा हो जा रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा है, मगर पूरा गंदा हो जा रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से लेके चलते हैं आप लोगों को आगे। तो गाइस अभी मम्मी जा रही हैं, और ये मस्जिद है, मस्जिद बनवाए हैं वहाँ पे है। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए थे, और साड़ी जो था वो देना था, ये छोटी यहाँ पे खड़ी है। हाय, तो गाइस इसका बॉडी काम होने वाला है, और ये देखिए क्या देख रही है, कार्टून नेटवर्क गाइड याद कर रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं। कैसा लगा, कैसा रहा दिवाली? तो कैसा लगा दिवाली पे हम आए, तो दिवाली के बाद कैसा लगा दिवाली पे हम आए तो अभी, और साड़ी तो आप देख लीजिएगा, और उसके बाद से और बताओ कैसा मना तुम्हारा दिवाली? बहुत अच्छा, आपसे तो अच्छा ही। अच्छा। हम लोगों को मन नहीं करता है वो पटाखा वटाखा छोड़ने का। वीडियो में साफ दिखता है, साफ दिखता है। वो तो एक फुट फोड़ दिया गया थोड़ा सा दिखाने के लिए। हेलो गाइस, देखिएगा आप सबको दिखाने के लिए बोलते हैं, दिखाने के लिए फोड़ लिया पटाखा। तो क्या करे, दिखाने के लिए ही ना फोड़ता है कोई भी, पैसा कोई नाक लगाएगा झूठ फूट का। सही बात है कि गलत बात है? अब पैसा नहीं पड़ता, तब चलते हैं। अब हम उसको बुलाइए इधर, आ जाओ। कौन से क्लास में है अभी तुम? एट क्लास में। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी को वहां से लेने के लिए, क्योंकि वहां पे खड़ी होंगी। और आ जाओ, बाय 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 बाय। ये पकड़िए, आपके लिए दे रहे हैं, देख लीजिए गाइस, सब पापड़ी दे रही है, इधर से कुछ हाल भी रहा है, आपके लिए दे रहे हैं। वेल गाइस अभी आ चुके हैं हम घर पे, और घर पे आने के बाद से आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ काम जो है वो बाकी है, और कुछ काम जो है वो हुआ है। तो चलिए मम्मी से मम्मी आप लोगों को बताएंगी कि जो दलिदर खेदना होता है, उससे पहले हम लोग को क्या क्या बातों पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो वो बात जो है जल्दी जल्दी क्लियर कर देंगे।
और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस बार मम्मी को नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इनका तबीयत सही नहीं है और ऊपर नीचे हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं शायद मम्मी ही बताती हैं कि क्या होगा आगे। तो थोड़ा उनको इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, चलिए दिखाते हैं मम्मी को। अभी मम्मी खाना खाने बैठी हुई हैं, पापा भी बैठे हैं, तो चलिए आज पापा और मम्मी दोनों से बात करवाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या बताते हैं आप लोग, सुनते जाइए। और कितना साल हो गया आप लोगों के साथ? कितना साल हो गया? 93 से हम लोग, 92 से। 92 से। और आज जोड़ लीजिए आप लोग किस साल? 22 चल रहा है। 22? अभी 22 चल रहा है। 30 साल। 30 साल। हम लोग का 30 साल कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, अप्रैल में। और आप लोग अंदाजा कर सकते थे कि ये हमसे 10 साल बड़े हैं। हम बड़े हैं इनसे 10 साल, हम लोग का एज का डिफरेंस है, लेकिन हम मोटे हो गए हैं तो हम लग रहे हैं कि ज्यादा एज के है, ये लग रहे हैं कम के। तो बात है, सही बात है। और तो गाइस फाइनली आप लोगों का जो क्वेश्चन था बार बार आ रहा था कि दलिदर खेलना क्या होता है और कैसे खेलते हैं, ये सारा कुछ बताने जा रही है। दलिदर लक्ष्मी माँ को बुलाकर भरसक नहीं खेलना चाहिए, लेकिन हम लोग के घर में परंपरा शुरू से था, तो हमारी सास करती थी तो हमको भी करना था, तो हम अपने यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन मेरे स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहने से ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते हैं, सीढ़ी पे ज्यादा नहीं चढ़ना है, मना है हमको। इस वजह से हम ऊपर से, 3 तल्ला मेरा मकान है तो ऊपर से नीचे पूरा सब जगह खेलना होता है, तो हम नहीं करेंगे। और मनीषा थी तो हम सोचते थे कि करेगी, तो मनीषा भी आज कहीं चली गई है घूमने, और वीडियो में आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। तो ये आज से परंपरा बंद हो जाएगा मेरे घर का, हम नहीं खेलेंगे तो काम समाप्त। ये अब नहीं होने वाला है मेरे घर में, दलिदर नहीं खेलाएगा कभी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अब आज खत्म तो खत्म ना, हम इतने दिनों से अपने घर में, यहाँ 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, 20 साल से हम खेले हैं। पहले दादी करती थी, दादी पहले खेलती थी, यहाँ भी दादी आ जाती थी कभी घर से तो दादी ही भगाती थी दलिदर, और हम तो बोले दादा हम खेल दी तू छोड़ दा, तो वो खेलती थी। अब इस बार 20 साल 22 साल का 98 का ये मकान बना हुआ है मेरा, तब से हम खेले हैं और अब नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं है। भगवान हर कोण में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, हर अन्नपूर्णा का होता है, दलिदर जो गांव में लोग क्या बोलते हैं, माई रे भूख लागल बा, मम्मी रे भूख लागल बा, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, शांति से रहना चाहिए घर में और खूब प्रेम से रहने। क्या क्या कैसे होता है वो? सबसे पहले दिया एक बार लिया जाता है तेल में, सरसों का तेल में, और कंडा होता है गांव में, मिलता है मूज का जो कंडा, तो कंडा नहीं मिलता है तो लोहा रहता है और सूप रहता है, उस पे बोला जाता है ईश्वर पैसस दलिदर निकलस, ईश्वर पैसस मतलब भगवान आए और मेरे घर से दलिदर जाए बाहर, यही कह के पूरा सूप ढुबाया जाता है मुंह में, बोला जाता है मन में, और बोला जाता है ईश्वर आए दलिदर जाए, ईश्वर आए दलिदर जाए, ईश्वर आए दलिदर जाए, हर बार जब डंडा ऐसे बजाएंगे उसको तो ऐसे ही बोलते हैं, सब घर में कोना कोनी सब जगह लेके उसको खदेड़ के बाहर निकाला जाता है, और बाहर हाथ पैर धो के अच्छे से सूप रख दिया जाता है, टूटा तो बोला तो जा रहा है कि अब मॉडर्न होते जा रहा है तो ये सब भूल जाना नहीं, नहीं। लोग भूल रहा है, लेकिन इससे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी मॉडर्न नहीं होता है, जो पुरातन से चला आ रहा है वही शाश्वत सत्य है। हम लोग अपने सिस्टम को बदलते जा रहे हैं कुछ सोच सोच करके, ऐसा नहीं करना है। अरे कुछ लोग आलस लोग हो गया है इस धरती पे, कुछ लोग आलस बन गया है, करना ही नहीं चाहता है, तो नहीं करेगा तो बंद हो ये जाएगा परंपरा क्या, जो नहीं करना चाहे। लेकिन हम लोग का ये उद्देश्य है कि इस सब करना चाहिए, ये पहले से ही आते रह गया और आगे भी हम जैसे ग्रहण का पता चल जाता है पहले ही से, हम लोग को लेके चलना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी चीज होता है, मानना चाहिए। जो भी मान्यताएं हैं उसको एकाएक आप खत्म नहीं कर सकते हैं,
उसकी सत्यता को जानना पड़ता है। बिना सत्यता को जानते हुए उसको ढोंगी बता देना या उसको अंधविश्वास मान लेना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंत में लोग यही कहता है कि पहले से पता हम लोगों को नहीं था कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, अब करना चाहिए, समझ में आता है। तो बहुत सारी बातें हैं उसको जानना चाहिए। छठ पूजा के लिए क्या कहना चाहेंगी मम्मी सभी को? सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, खूब छठ आप लोग अच्छे से मनाइए, अपने परिवार में धूमधाम से मनाइए, और छठ घाट पे जाके जो सेवा लगे सेवा करना चाहिए, वहाँ जो चंदा हम लोग को देना है देना चाहिए। तो ऐसा है कि जब बुरा समय आता है, जैसे मेरा आया था, तो हम हमेशा रोते रहते थे, सोचते थे कि क्या गलती किए हैं कि आज हमको ये भोगना पड़ रहा है। तो यही होता है कि कुछ गलत काम कर देते हैं लोग, बाद में अफसोस करते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी मिला होगा, अगर जानकारी मिला होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और खूब सारा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हैप्पी छठ पूजा इन एडवांस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।